बीफ कढ़ाई, और बिल्कुल इसमें दो तीन चीज़ें डालनी हैं, और बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये बनती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी वीडियो पे आए हैं, तो वेलकम, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। चलें जी, अब हम शुरू करें। 250 ग्राम मीट है, ठीक है, फ्रोज़न मीट है, इसलिए उसको एज इट इज़ ही आपने डाल देना है। फ्रोज़न मीट को थॉ करने का तरीका, या तो आप उसको ऊपर फ्रीज़र से निकाल के ना नीचे फ्रिज में रख दें। अच्छा, पहले मैं रेसिपी पूरी कर लूँ। अब इसमें मैंने डाल दी हैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक 1 टीस्पून, बाकी कम ज़्यादा हम बाद में कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून घी। नॉर्मली कढ़ाई में ज़्यादा घी डलता है, लेकिन मैं जानबूझ के कंजूसी से घी डालती हूँ, क्योंकि जाना तो हमारे अंदर ही है। तो आप अगर ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप 2-3 टेबल स्पून डाल लें। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि जिसमें गोश्त गल जाए, ठीक है, आपको अंदाज़ा होगा। और प्रेशर कुकर में मैं गला रही हूँ इसको, और क्या कितना पानी डालना है, और गोश्त की क्वालिटी पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी गलेगा। और आजकल के जैसे गोश्त हैं तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। चलें जी, अब ये है, टमाटो प्यूरी बना रही हूँ। जब तक हमारा गोश्त गलेगा तो हम टमाटो प्यूरी रेडी कर लेंगे। टमाटर लेके उनका छिलका मैंने उतार लिया, ठीक है, छुरी पे चढ़ा के ना, चूल्हे पे आप आग पे करेंगे तो छिलका फट जाएगा, और उतार लें। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें और गुड़ के साथ आप पका लें जब तक कि वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। गोश्त देखिए हमारा गल गया था, उसको मैंने कढ़ाई वो पैन में निकाल लिया है, और उसमें टमाटो प्यूरी जो भी हमने रेडी की थी वो डाल दी है। ये देख रहे हैं आप कितना मज़े का, ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। और कढ़ाई में हल्दी कभी भी नहीं डलती, इसलिए हमने हल्दी नहीं डाली, इवन रेड चिली पाउडर भी नहीं डाला हमने। वी हैव एडेड रेड चिली फ्लेक्स, इसीलिए इसका खिला खिला सा कलर आया। अब जब टमाटो प्यूरी का मज़ीद पानी खुश्क हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं घी छोड़ दिया उसने, तो अदरक डाल देना आपने 2 टेबल स्पून भर के, और 4-5 हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है, और बहुत ही अहम चीज़ 2 टीस्पून काली मिर्चें डालनी है उसमें। और ये देखें, मज़े का कढ़ाई गोश्त रेडी आपके सामने। इन्जॉय करें, गार्निश करें, एंड यू विल जस्ट लव इट। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, गोश्त गला के रख लें, जब मेहमान आए उस टाइम टमाटो प्यूरी ऐड करें, और ताज़े ताज़े मसाले आप ऐड करेंगे ना, तो और मज़े का उसका जो है वो फ्लेवर निकल के आएगा। अपनी बेस्ट टिप शेयर करें, आप भी कढ़ाई बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या ख़ास चीज़ उसमें करते हैं। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करो वीडियो को यार, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो मैंने ऑलरेडी कह दी है ना। अब मुझे ये कहना था कि कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।